ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग काम करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, अपने हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक आप लोग देख लीजिए क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन वीएससीपीआर थियरी। हालांकि हमने वीएससीपीआर थियरी को पढ़ भी लिया है और उसके एप्लीकेशंस देख रहे हैं, और लास्ट के दो हाइब्रिडाइजेशन बचे हुए हैं sp3d2 और sp3d में कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई, और फिर उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चले। हाँ यस जी सर, चलो। चलिए, तो देखो दोस्तों, अब हुआ क्या कि हमने देखा था पिछली वाली क्लास में कि सर, हमने जब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि देखो सर, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इन्होंने कहा कि देखो सर, अगर मान लीजिए कि आपके पास, हमने कौन सा कंडीशन डिस्कस कर लिया था, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, कि अगर 3 बॉन्ड पेयर है प्लस 2 लोन पेयर है LP, ठीक है, तो उस केस में आपका शेप क्या होगा मॉलिक्यूल्स का। तो अगर आपसे पूछा जाए, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई अच्छा सा क्यूब का एग्जांपल, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स पहले मैं बता देता हूँ, CLF3, या फिर यहाँ पे हो गया BRF3, जितने भी यहाँ पर इंटर हेलोजन कंपाउंड से, मतलब हेलोजन से मिलके बने हुए हैं, तो उनको आप बोलोगे BRCl3, या फिर ये हो गया आपका ICl3। ये सारे एग्जाम्पल में से कोई एक उठा लेते हैं, तो आ जाइए ICl3 की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर आपसे बोलो कि देखो साहब, ये आई और यहाँ पे हो गया है आपका CL3, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d दो लोन पेयर होगा कि नहीं होगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं, यस सर, यस यस सर, सर, क्योंकि आयोडीन के पास टोटल 7 होता है, तो 3 क्लोरीन से शेयर कर दिया और बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे कैसे, लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा प्लस बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका sp3d। और यहाँ पे जितने भी है ना, वो सभी के सभी sp3d ही है। लोन पेयर कितना है इसके पास, 2 लोन पेयर्स है। अब देखिए, अगर मैं इसके ज्योमेट्री की बात करूंगा, तो क्या कहूंगा कि देखो सर, हमारी जो sp3d की ज्योमेट्री है वो कैसे होती है सर, सेंटर में आयोडीन रहेगा, पहले आप प्लेनर बना टी दीजिए, या पहले आप क्या कर दीजिए सर, इक्वेटोरियल बना दीजिए। इक्वेटोरियल हमने बना दिया और 2 बॉन्ड ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि देखो सर, अगर sp3d में अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक हो चाहे 2 लोन पेयर हो चाहे 3 लोन पेयर हो, आप कहाँ रखोगे, ओनली इक्विटोरियल बॉन्ड पर। अब बताइए, ये इक्विटोरियल हो गया, तो यहाँ पे ना रख के कहाँ रखोगे आप, यहाँ यहाँ फिर यहाँ यहाँ, यस सर, क्लियर हो गया। हाँ यस सर, जी, यस सर, और बाकी जो 3 एटम है बची हुई वैलेंसी पे आप लोग रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा वो देखिएगा। आपको जो शेप मिलेगा, ये हो गया फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, और दो सॉरी क्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं है, क्या होगा, ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, और ये भी क्लोरीन। अब बताइए, क्या हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं ज्योमेट्री में, तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, तो क्या ये टी शेप बन गया कि नहीं बन गया, ऐसे बन बन गया गया सर। सर। तो अगर आपके केस में अगर एसपी थी हाइब्रिडाइजेशन है और 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तो जो आपका शेप मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, वो हो जाएगा आपका टी शेप। टी शेप, क्लियर, यस यस सर, यस सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जितने भी होंगे, सारे के सारे टी शेप के होंगे, समझ गए ना। यस सर, यस सर, केस नंबर से थर्ड में आ जाते हैं यहीं पर। अगर मैं आप लोगों से बोलूं दोस्तों कि यहाँ पर, और हाँ प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों में से किसी को भी ना समझ में आए, तो प्लीज शर्माना मत, ठीक है, पूछ लेना, मैं ओके यही, सर, ओके सर, ऐसा ना हो कि आप पूछ नहीं रहे और मैं थोड़ा स्पीड अप करके चलता ही जा रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ, तो ऐसा ना हो। चलो आ जाइए, अब यहाँ पर आप देखिएगा sp3d की बात करेंगे हम लोग, तो इसी में एक और पॉसिबिलिटी आती है sp3d में, कि सर अगर क्या हो कि यहाँ पर जो लोन पेयर है ना, 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर आ जाए, समझ गए आप लोग। तो यहाँ यस पे सर, तीन लोन पेयर आ हम्म, गया, इसके एग्जांपल्स को आप लोग लिख लीजिए कि भाई ICl2- हो गया, फिर सेम ऐसे ही होगा IBr2- हो जाएगा, या फिर IF2- हो जाएगा, या और भी एग्जांपल्स हैं, Xenon F2 हो जाएगा, या फिर I3- हो जाएगा, या फिर एक और एग्जांपल लिख लीजिए BR3-।
ठीक है, यहाँ पे सभी के पास, चलिए आ जाइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई थ्री माइनस की बात करते हैं। ठीक है दोस्त, कैसे बात करते हैं, आई थ्री माइनस का, ये रहा सर आई थ्री माइनस, हुआ क्या, अगर आप चेक करोगे बताइए, प्लीज 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 म्यूट कर दीजिए आप। हाँ देखिए, अगर मान लेते हैं कि आयोडीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होता है, सेवन। अब एक नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो टोटल एट इलेक्ट्रॉन। एक अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा, एट इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सर ये रहा आयोडीन, इधर भी एक आयोडीन, इधर भी एक आयोडीन, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। बताइए हुआ क्या कि टोटल एट इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये नेगेटिव चार्ज दो 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 दो, कितने अभी हमने बना दिए, छह इलेक्ट्रॉन बनाए कि नहीं बनाए, बनाए बना दिए। दो इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो एक लोन पेयर और आ जाए। क्यों लोन पेयर, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एट इलेक्ट्रॉन हो गया आयोडीन के पास, सेंट्रल वाले आयोडीन के पास। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या बोलोगे, सर नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या इस वाले टर्म्स एंड कंडीशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है सर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब उस केस में आप देखोगे कि सबसे पहले आयोडीन लिखिए और फिर अपनी आप ज्योमेट्री बना दीजिए, TBP वाला, जो हम पॉसिबली जो हो सकता था sp3d होने की वजह से। लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पर कितने हैं, थ्री लोन पेयर, इक्वेटोरियल थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ पुट करोगे सर, इक्विटोरियल पोजिशन पर आप पुट करेंगे। इसकी वजह से देखिएगा, ये रहा आई माइनस, और ये आई माइनस नहीं, आयोडीन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए, आप मिड इनको इरेज कर सकते हो, क्योंकि लोन पेयर को आप ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं करते हो। अब आप लोगों को कैसा ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, लीनियर दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, लीनियर। तो अब बताइए sp3d केस में अगर थ्री लोन पेयर प्लस टू बॉन्ड पेयर होगा, तो उस केस में जो ज्योमेट्री मिलने वाली है दोस्तों, वो क्या मिलने वाली है, लीनियर। लीनियर। क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। एक बार रिपीट कर दो ये वाला। ठीक है, श्योर, चलिए आ जाए। देखिए, अगर आप यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी को, क्यों, चलिए आ जाइए दोस्तों। अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर, ये रहा आपका ज़ेनॉन और यहाँ पर F2 है, ठीक है, ये रहा F। अब बताइए, ज़ेनॉन के पास टोटल एट इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो अभी बच गए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, छह सिक्स। बचे। अब उस जो सिक्स इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, उसका थ्री लोन पेयर बन जाएगा, बन गया कि नहीं बन गया बताइए। यस सर। और जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो तीन लोन पेयर है, दो सिग्मा बॉन्ड है, तो निकल के क्या आएगा आपका sp3d। अब सर sp3d में हमें पता है कि हमारा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप होता है, लेकिन सर अगर मैं देखूं एक्चुअली में ड्रॉ करके, तो ये रहा आपका ज़ेनॉन, और ये एक एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्चुअली रियलिटी क्या थी सर, कि लोन पेयर कितना था, तो तीन लोन पेयर था, और उस तीन लोन पेयर को हम कहाँ प्लेस करेंगे दोस्तों, इक्वेटोरियल। सब लोग समझ गए? अब यस सर। देखिए, यहाँ पर हमने प्लेस करा, यहाँ पे प्लेस करा थ्री लोन पेयर, यहाँ पर थ्री लोन पेयर, और इसके बाद अगर कुछ बच जाए बॉन्ड पेयर वाले, जितने भी बॉन्ड्स हैं, तो उसको आप ऊपर प्लेस करो। अब बताइए, आपको पहले भी बता चुका हूं कि सर लोन पेयर को हम ज्योमेट्री या शेप में कंसीडर नहीं करते, तो आप इसको मिटा दीजिए, लोन पेयर को हटा दीजिए थोड़ी देर के लीनियर लिए, और अब आप देखोगे तो कैसा शेप मिल रहा है यहाँ पर, लीनियर। लीनियर। तो अब ये आपका शेप हो जाएगा लीनियर शेप। तो मैंने इसको लोन पेयर दिखाने के लिए मैंने रख दिया है, लेकिन रियलिटी क्या है कि आपका शेप जो है लीनियर होगा। आई होप क्लियर हुआ, समझ गए आप लोग। आगे बढ़े, चलिए आगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों sp3d2 के केस में, और यहाँ पर जो शेप मिलने वाला है आपका, वो मिलने वाला है ऑक्टाहेड्रल। क्या मिलेगा बताइए, ऑक्टाहेड्रल, या फिर आप लिख सकते हो स्क्वायर बाई पिरामिड। नोट करते चलिए साथ में आप लोग, क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाय पिरामिड। चलिए सर, यहाँ पर ना ये जो
टोटल सिक्स मॉलिक्यूल्स या सिक्स एटम आके सेंट्रल एटम से अटैच होगा, तब आपका sp3d2 बनेगा। और सर इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, तो चलिए आ जाइए दोस्तों। आप लोगों को SF6 पता है ना? क्या? यस सर, पता है। SF6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसकी ज्योमेट्री सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल होती कैसे वो मैं बता देता हूँ। तो ये रहा, देखो आप लोग एक इधर ऐसे भी ना करके क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ चलिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी अगर इनमें इनको मर्ज कर दूं, मिला दूं, तो पहले क्या बन रहा है कि स्क्वायर बना कि नहीं बना? बना। यस सर, ठीक है स्क्वायर बन गया। लेकिन अभी सिर्फ चार बॉन्ड ही बने, सल्फर से कितने फ्लोरीन अटैच है? सिक्स। तो अब एक क्या होगा, इस प्लेन से ऊपर जाएगा सर, और एक क्या होगा दोस्तों, प्लेन से नीचे जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। चलिए अब आप देखते रहिए, अगर मैं इस कॉर्नर से इसको, इस कॉर्नर से इसको, और इस कॉर्नर से इसको, और इस कॉर्नर से इसको, ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल्स प्लेन से स्क्वायर प्लेनर से ऊपर अटैच हो रहा है, तो अगर मैं मिलाऊंगा तो आपका एक पिरामिड जैसा शेप नहीं दिख रहा, रेड वाला दिख रहा है? तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन अब नीचे वाला भी अटैच है, तो इसको भी मिला दो सर, क्योंकि टोटल सिक्स लिगेंड अटैच होंगे ना। अब इसको इधर करूंगा और इसको भी इधर से करूंगा और इसको भी इधर से अरेंज करूंगा, तो क्या नीचे से, आप ध्यान से देखिए, नीचे से क्या एक नीचे से भी पिरामिड बन रहा है? बन रहा है। देखिए ऊपर का एक पिरामिड, एक नीचे का पिरामिड, अब आप देखोगे तो स्क्वायर पहले से ही था चार होने की वजह से, और एक ऊपर का पिरामिड, एक नीचे का पिरामिड, तो हमने बोल दिया सर स्क्वायर बाई पिरामिडल। डन डन। यस सर। लेकिन ये कौन सी कंडीशन थी कि देखो सर, अगर आप बोल रहे हो ना कि स्क्वायर बाय पिरामिडल, तो ये तब होगा जब आपका, ध्यान से सुनते रहिएगा, कि भैया सिक्स बॉन्ड पेयर प्लस जीरो लोन पेयर अगर होगा तब, तभी होगा कि नहीं होगा? यस सर, तभी होगा। चलिए तो अब आ जाइए, इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, और फिर आप लोग ये रहा एफ, ये रहा एफ, ये रहा एफ, ये रहा एफ, ऊपर भी एक क्लोरीन, नीचे भी एक क्लोरीन अटैच हो गया। सर ये स्क्वायर बाय पिरामिडल है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कि अगर सर एक लोन पेयर आ जाए, केस सेकेंड, ये आपका कौन सा हो गया, आपका मान लेते हैं कि चलो सर ये केस फर्स्ट है। अब हम, मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, केस सेकेंड में आ जाते हैं। केस सेकेंड क्या बोल रहा है कि देखो सर, अगर आप मान रहे हो कि देखो हमारे पास टोटल कितने हो गए, फाइव बॉन्ड पेयर प्लस वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, तब आप क्या करोगे? तो आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि हम sp3d2 के केस में लोन पेयर को हम कहां प्लेस करते हैं, एक्सियल पे। कहां प्लेस करते हैं? एक्सियल पोजीशन। चलिए अब देखिए आप लोग, तो कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे कि आप ये देखिएगा ज़ेनॉन XeO4, ठीक है। और इसमें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा कि इसका जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपको मिलेगा क्या? याद रखिएगा दोस्तों कि जो आप फर्बर निकाल रहे थे ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो उसमें आप लोग पाई बॉन्ड कभी कंसीडर मत करिएगा, समझ गए आप लोग? यस सर। हेलो प्लीज, आप जो भी हैं आप एक बार म्यूट कर दीजिए, ठीक है। चलिए सो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो सर ज़ेनॉन के पास टोटल कितने हैं, तो ये रहा ज़ेनॉन। अब ज़ेनॉन से दो ऑक्सीजन अटैच्ड है, एक फ्लोरीन अटैच्ड है, एक फ्लोरीन अटैच्ड है, और एक ये फ्लोरीन, एक ये। अब बताइए कि ये चार फ्लोरीन की वजह से चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया और दो ऑक्सीजन से, बताइए तो टोटल छह इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं ज़ेनॉन का, और एक लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। तो अब ये उसी का केस है, अब मैं स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को कि देखिए, अगर आपका ये ज़ेनॉन, एक्चुअली ये ज़ेनॉन है आपका, और एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, स्क्वायर प्लेनर, और एक ऊपर और एक नीचे।
हमने क्या कहा कि देखो सर, सबसे पहले आप फ्लोरीन चार रख लो, हमने फ्लोरीन चार रख लिया, और फिर उसके बाद से ऑक्सीजन अटैच्ड है तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऊपर अटैच कर दो, और अब बच क्या गया, एक लोन पेयर, तो अब रखोगे कहाँ, या तो आप ऊपर रखो लोन पेयर यहाँ पर, अच्छा कहाँ रखोगे आप लोग, नीचे। देखिए ये भी आपका क्या हो गया, एक्सियल हो गया, और ये भी क्या हो गया आपका, एक्सियल। तो अब लोन पेयर हम कहाँ रखेंगे, या तो नीचे या ऊपर, अगर आप नीचे लोन पेयर रखोगे तो डबल बॉन्ड ऊपर बनाना पड़ेगा, और अगर आप ऊपर लोन पेयर रखोगे तो फिर आपको जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहे हो नीचे बनाना पड़ेगा। क्लियर समझ गए आप लोग? चलिए अब हमने क्या कहा कि सर हम लोन पेयर नीचे बनाएंगे, और हमने बना भी दिया। तो अब मुद्दा यहाँ पे आता है दोस्तों कि अब आप स्ट्रक्चर अगर आप इमेजिन करोगे तो क्या मिलेगा वो देखिएगा। ये तो आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, और आप इसे मर्ज कर दीजिए, यहाँ से मर्ज करिए तो क्या मिलेगा आपको, एक स्क्वायर, और उसके ऊपर से आप मर्ज करोगे देखो देखो पिरामिड जैसा शेप बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड ग्रीन। तो अगर आपसे कोई बोले तो आपको क्या चेक करना है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर सर 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो सर उस केस में आपका जो ज्योमेट्री मिलेगा सर वो आपको क्या मिलने वाला है, स्क्वायर पिरामिड। चलिए अगर मैं आगे बढ़ू, इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो अगर sp3d2 में अगर आपको क्या मिलता है, देखो सर कि अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड पेयर है, कितना है 4 बॉन्ड पेयर, यानी कि 4 बॉन्ड सेंट्रल एटम से अटैच्ड है और टोटल 2 लोन पेयर है, तो उस केस में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, sp3d2 आएगा, sp3d2, और आपका जो ज्योमेट्री निकल के आएगी वो हम अभी देख लें। तो बेसिकली आ जाइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि सर एक मॉलिक्यूल से मेरे पास XeF4, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हो गया, तो ज़ेनॉन के पास 2 लोन पेयर बच जाएगा क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ये शेयरिंग कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा फ्लोरीन के साथ, बॉन्ड बना लेगा, और बच गए 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 हो गया। तो अब टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इतना आ जाएगा। क्या आप देखिए यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये रहा आपका ज़ेनॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और लोन पेयर यहाँ पे, बताइए 4 बॉन्ड पेयर आ गया और 2 लोन पेयर आ गया कि नहीं आ गया इस केस में, आ गया सर। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, देखो सर ये रहा आपका ज़ेनॉन, इधर रहा आपका फ्लोरीन, इधर रहा आपका फ्लोरीन, इधर रहा आपका फ्लोरीन, इधर आपका फ्लोरीन। आपको पता है कि सर अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी हुआ ना sp3d2 में, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है आप कहाँ पुट करोगे, एक्सियल। अब बताइए अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ होने वाला है, इधर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए सर इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आप देखोगे कि इसको मर्ज कर दो, तो अब आप क्या शुरू से सुनते आ रहे हो कि देखो सर लोन पेयर को तो हम कोई तवज्जो ही नहीं देते, हम तो मानते ही नहीं कि कुछ है हमारे लिए। अब कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, सब लोग समझ रहे हो आप लोग, आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, और उसमें भी आप चेक करोगे तो देखोगे अंदर जाके कि सर 4 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो उस केस में अब आप देखो ना दोस्तों क्या ये प्लेनर ज्योमेट्री है कि नहीं, और साथ में ये स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे सर, स्क्वायर प्लेनर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। Yes. ग्रेट। Yes, चलिए बहुत बढ़िया, तो ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब हम एक और आखिरी में देख लेते हैं sp3d3 का, देख लें क्योंकि जी कितना टाइम हुआ, 623 हुए, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं हमें, ठीक है। चलिए तो sp3d3 में भी फटाफट देख लेते हैं हम लोग, तो आ जाइए ये रहा आपका sp3d3 में, इसका जो होगा ना, इसका जो शेप होता है वो होता है क्या बोल सकते हो आप लोग, पेंटागोनल बाइपिरामिड, क्या बोलोगे आप लोग,
पेंटागोनल बाई पेंटागोनल बाई पिरामिडल पिरामिडल बाय पिरामिडल या स्लैश करके आप लिख सकते हो और डिस्टॉर्टेड ऑक्टेट. यस सर. डिस्टॉर्टेड ऑक्टेट. क्या आप लोग साथ में नोट करते हुए चलते हो आप लोग? हाँ जी सर. चलिए बहुत बढ़िया. और हाँ, कभी मेरी उतनी पेस नहीं होगी कि मैं आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो समझने और नोट करने में. आई होप कोशिश करूंगा कि स्पीड नॉर्मल रहे, आप लोगों को समझ में भी आता है. पेंटागोनल पिरामिड की अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं तो उसके लिए एक एग्जांपल बहुत बेहतर एग्जांपल ये है कि XEF6 ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे कि ज़ेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिया है. एक लोन पेयर बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा सर. अब निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन तो निकल के आएगा sp3d3. अब हुआ क्या, पेंटागन पहले आप लोगों को पेंटागन अगर पता होगा तो आप देखोगे कि देखो सर यहाँ पर कोई मेरा एक ज़ेनॉन होगा, ठीक है सर, ज़ेनॉन बना दिया. और आप पहले पेंटागन बना दीजिए तो पेंटागन का मतलब कि 5 वर्टिसेस होंगे उसके, 5 कॉर्नर होगा उसमें. तो ये रहा, आप देखिए क्या अगर मैं इन सबको अगर धीरे धीरे करके प्यार से इनको अगर मैं मिला दूं तो क्या आप लोग देखिए और बताइए क्या ये पेंटागन बना कि नहीं बना? बन गया. ठीक है सर, 5 वर्टिसेस है, 5 कॉर्नर्स है, तो हमने बोला सर पेंटागन है. लेकिन अब यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितने हैं? टोटल बॉन्ड 7 6 7 7 7 बन सकते हैं. तो हमने कहा कि देखो सर ये हो गया आपका एक्चुअली हम इस लेस में आप लिख लीजिए IF7 ठीक है. तो यहाँ पे आप आयोडीन कर दो ताकि परफेक्ट मैच हो जाए, समझ में आ जाए. तो टोटल 7 बॉन्ड है, एक ऊपर एक नीचे. अब आप लोगों से मैं यही बोलूं कि देखो सर इस वाले के केस में कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर. यस सर. तो अभी भी नो लोन पेयर है तो आप क्या करोगे कि सर अब यहाँ पे देखिए एक फ्लोरीन यहाँ पे रख दीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ पर, 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 एक फ्लोरीन यहाँ पर. अब अगर इनको सबको मिलाओगे, ऐसे मिला दो आप, तो क्या बनेगा? ऊपर से एक पिरामिड बनेगा. यस सर. समझ रहे हो आप लोग? यस सर. हां जी सर. और नीचे वाला भी फ्लोरीन एक बनाएगा पिरामिड, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका? पेंटागोनल बाय पिरामिडल. ठीक है. या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये वाला क्या कर रहा है, उसको बिगाड़ दे रहा है. सेप बिगाड़ रहा है कि नहीं बिगाड़ रहा ऑक्टाहेड्रल का? बिगाड़ रहा है. तो आप क्या बोलोगे कि सर ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल? दोनों नाम आप बोल सकते हो. चलो सर इतना तो क्लियर हो गया. ये सब सातों के सातों केस फर्स्ट आप मान सकते हो कि सर यहाँ पर क्या था, 7 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर. ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ. लेकिन अगर मैं आगे बढ़ूंगा केस सेकंड की बात करूंगा तो सर यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं ये बोल दूं आपसे कि भाई 6 बॉन्ड पेयर है प्लस 1 लोन पेयर है, तो याद रखिएगा कि अगर आपका इस केस में sp3d3 के केस में अगर 1 लोन पेयर है तो इसको कहाँ पुट करोगे आप लोग? इक्विटोरियल पर. कहाँ पुट करोगे आप लोग? इक्विटोरियल पर प्लेस करेंगे. और इक्विटोरियल पे प्लेस करोगे तो इसका एग्जांपल इस वाले से देखते हैं, XEF6 ठीक है. इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है. तो हुआ क्या कि देखो सर ये रहा आपका ज़ेनॉन, एक बॉन्ड इधर, 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 एक बॉन्ड, एक बॉन्ड. अब बताइए जितने ये पांचों प्लेन में है क्या ये इक्विटोरियल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे. इक्विटोरियल बॉन्ड है तो इन्होंने कहा कि देखो सर कुछ मत करो आप, पहले आप लोन पेयर इक्विटोरियल पे. अगर मैं यहाँ पे लोन पेयर पुट कर दूं और बाकी जगह जितने भी फ्लोरीन है रख दो फटाफट, धमाल मचा दो एकदम रखने के मामले में, पता हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ लोन पेयर वाले को, बताइए ऑक्टाहेड्रल हो गया ज्योमेट्री आपकी? ठीक है. तो आप क्या बोल सकते हो इसको कि देखो सर मैं बना देता हूँ, ये हो सकता है क्या हो जाए आपका ऑक्टाहेड्रल, या फिर आप लिख सकते हो स्क्वायर बाय पिरामिडल.
समझ गया ना आप लोग? हाँ जी सर। ठीक है, और तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, डिस्टॉर्टेड। इसको ना आप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी लिख लीजिए, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम बचाना है तो आप प्लीज याद रख लीजिए इसको। ऐसा मत बोलिएगा कि सर छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कोई कोई वो नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे कल आपका टेस्ट है तो एमओटी भी अच्छे से कवर हो जाए और ये भी हो जाए। ठीक है? यस सर। यस सर। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं ना कि देखो सर दो लोन पेयर आ जाए तब आप क्या करोगे, तो इसी में अगर आपका लोन पेयर sp3d3 है और इस केस में आपको क्या हो जाए कि सर 5 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर आ जाए, तो उस केस में क्या होगा आप बता दीजिए। ठीक है, आ जाइए। इसके लिए आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। आप लोग यहाँ पे देखोगे xef5-, अगर माइनस की वजह से ज़ेनॉन पर एक लोन पेयर आ जाएगा, एक नहीं दो लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि 5-8 इलेक्ट्रॉन होता है तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन से शेयर कर दिया तो 3 बच गया, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा बताइए आपका, 2 लोन पेयर। 5 बॉन्ड फ्लोरीन का और 2 लोन पेयर यहाँ पे मैच भी कर रहा है, तो आगे आ जाइए। इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो सर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये रहा आपका ज़ेनॉन, ये अब पहले तो 5 बॉन्ड बना लेते ताकि हमें पता तो चले कि सर प्लेस कहाँ करना है इलेक्ट्रॉन। ठीक, सो ये हो गया। अब 2 बॉन्ड कहाँ होंगे दोस्तों? ऊपर। इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि और आसान रहे। एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, बताइए टोटल 7 हो गए? यस सर। हाँ जी सर, हो गए। याद रखिएगा, If 2 lone pair electron are present, then lone pair electron, LPE का मतलब lone pair electron are placed at axial position. ठीक है, चलिए आ जाइए दोस्तों। अब बताइए दो लोन पेयर है तो आप एक काम करिए कि सबसे पहले इनको निपटा दीजिए लोन पेयर सब। चलो एक्सियल पर, अब हमने कहा ठीक है एक्सियल पे भर दिया, और बाकी फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और एक और फ्लोरीन साहब यहाँ आ गए। और अब आप इनको मिला के देखो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, समझ गए? अब बताइए, भूल जाओ इसको, कैसा दिख रहा है? पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर। यस, क्या बोलोगे आप लोग? पेंटागोनल प्लेनर। प्लेनर, ग्रेट। आई होप हमारा हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको कभी भी दिखे कि सर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर दो लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर है, तो सीधा आंख बंद करके क्या बोलोगे कि सर पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं 20 मिनट में या 12 से 15 मिनट में। हेलो, ये कास्मा असिस्ट करा है मुझे, क्या बोल रही है इनको, क्या हेलो कास्मा, आपका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, आप क्लास में हो क्या? नो सर, नहीं है। ठीक है, देखता हूँ। सो बेसिकली चलिए दोस्तों, अब आ जाइए। अब 2022 में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए। अब आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि देखो सर, इन्होंने क्वेश्चंस में क्या पूछा होगा, फटाफट इन्होंने PF5, BR5, PCl3, SF6, ICl4, Cl3, IF5 among even molecules, ion, molecules or ions, कुछ भी हो, the number of molecules, ions having sp3d2 hybridization,
इज, अब बताइए ना कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, डिजिट में बताना है, टू है कि थ्री है कि फोर है, अब बताइए आप लोग फटाफट चेक करिए कितने हाइब्रिडाइजेशन क्या रहे हैं इसमें थ्री डी के, चलिए जल्दी जल्दी। या मैं ही कंटिन्यू करूं इसको? नहीं नहीं सर, अरे यार टाइम नहीं जाना चाहिए दोस्त, क्योंकि अभी मुझे बोटी भी कवर करना है। चलिए 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 कंटिन्यू कर दे, देखो आ जाओ इधर आ जाओ आप लोग, ठीक है आप लोग देखते रहो प्लीज, चलो आ जाओ आप लोग और बताते रहिए कहाँ गलत है कहाँ सही है, ठीक है? ओके सर। यस सर। चलो आ जाइए पीएफ फाइव की बात करेंगे। एक बात बताइए फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पांच होते हैं। फाइव। यस सर फाइव। अब एक बात बताओ क्या ये sp3d3 के लिए टोटल कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? छह बनाने चाहिए? छह। ये सर गलत है, नहीं करेगा, गलत है। बताइए छह इलेक्ट्रॉन तो कम से कम चाहिए ना दोस्त, ये समझ लो सकते हैं। हाँ जी। अब बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ब्रोमीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सात इलेक्ट्रॉन। यस सर। अब बताइए इससे पांच निकाल दीजिए क्योंकि पांच शेयरिंग कर दिया हुआ, बच कितने गए? दो। दो और एक लोन पेयर। सिक्स। यस सर ये करेगा। क्या हो गया आपका? ये सो करेगा, ठीक है, एक हो गया। थ्री में आ जाइए फॉस्फोरस के पास नाइट्रोजन ग्रुप नहीं करेगा सर, पांच इलेक्ट्रॉन है, नहीं करेगा कि नहीं करेगा बताइए? नहीं, कर, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो सिंपल आप इसको भी कट कर दो, इसको भी कट कर दो। एस ये एफ सिक्स तो साफ लग रहा है, सिक्स इलेक्ट्रॉन। चलो सर आई सी एल फोर माइनस में आ जाइए। चलिए यहाँ पे देखिएगा आप लोगों से क्या कहना है कि देखो सर ये रहा आपका आयोडीन, अब एक इलेक्ट्रॉन माइनस की वजह से टोटल एट इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा इसके पास? हो गया सर, होगा। अब आ जाइए चार क्लोरीन के साथ शेयर कर दिया तो चार निकाल दो, बच गए इसके पास चार, मतलब दो लोन पेयर, और चार बॉन्ड बना रहा है तो बताइए दो लोन पेयर प्लस फोर बॉन्ड पेयर, सिक्स हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, करेगा शो। एक सेकेंड आप प्लीज, सब लोग आप लोग समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ जी। यस सर। बाकी लोग? Yes, ये प्लीज पूछ लेना, मैं जल्दी कर रहा हूँ लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा। देखिए तो ये भी शो करेगा क्योंकि sp3d हो गया। अब बताइए यहाँ पर क्लोरीन के पास देखोगे आप लोग, क्लोरीन के पास टोटल सेवन इलेक्ट्रॉन होता है। सेवन। अब बताइए तीन इसने बॉन्ड बना दिया तो तीन निकालोगे तो चार बचेगा। तीन बॉन्ड, टोटल पांच ही हो रहा है, होने कितने चाहिए? ये नहीं कर रहा, नहीं करेगा। आई एफ सेवन में आ जाओ आप लोग, टोटल आयोडीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसके पास कितना होता है? सेवन इलेक्ट्रॉन। यस सर सेवन। और इसमें से पांच निकाल दो तो एक लोन पेयर बचेगा, करेगा करेगा ये वाला, तो टोटल कितना हो गया इसका? सिक्स। यहाँ पर देखो एक यस, तीन पी, दो टू डी, तो टोटल सिक्स होता है, तो यानी ये भी शो करेगा। अब बताइए एक दो तीन चार, अब इंटीजर टाइप आंसर में आप लोग क्या डालोगे, कितने नंबर ऑफ एस पी थ्री डी टू मॉलिक्यूल्स है? तो फोर। ये आपका राइट फोर। ये मीन्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई बड़ा है सरदर्द इसमें? नो सर, नो सर। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। हाँ जी जी। तो ये तो हमने ट्रिक बताया कैसे करना है, लोन पेयर पहले तो पता कर लो कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड बना रहे, निकाल के लोन पेयर कंसीडर निकाल लो, और उसके बाद फटाफट अपना चार्ज में अगर माइनस है तो एक माइनस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, अगर प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये अलग क्वेश्चन है, 2022 में ही पूछा हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है नंबर ऑफ इंटर हैलोजन फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग हैविंग स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। एक बात बताओ स्क्वायर पिरामिडल तभी बनता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा,
स्क्वायर पिरामिडल, इसका मतलब कि देखो सर ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ऊपर क्या हो जाएगा ऐसे, मतलब ये पांच पांच बॉन्ड बन रहा है और एक लोन पेयर नीचे, क्या sp3d2 होगा कि नहीं होगा? लेकिन शर्त क्या है इसमें कि सर फाइव बॉन्ड पेयर प्लस वन लोन पेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बाकी लोग, बाकी लोग? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अब कोई अगर स्मार्ट होगा तो कहेगा कि सर देखो ना यहाँ पे पांच बॉन्ड पेयर चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए। अब मैं अगर स्मार्ट हूँ या आप लोग भी स्मार्ट बनोगे तो क्या बोलोगे? सर ये IF7 को हटा दो, VR3 को हटा दो, यहाँ पे CLF को हटा दो, यहाँ पे CLF3 को हटा दो। हटा सकता हूँ कि नहीं हटा सकता? हटा सकते हो सर। ग्रेट, यस सर। बताइए यहाँ पर एक BrF5 है और यहाँ पर देखोगे BrF7, बताइए ब्रोमीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है और पांच पेयर कर देगा तो निकाल दो, बच गया दो लोन पेयर, तो यानी एक लोन पेयर हो गया कि नहीं होगा दो इलेक्ट्रॉन की वजह से? होगा सर। सेम बताइए यहाँ पर IF5 के केस में होगा कि नहीं होगा? होगा सर, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर बनेगा। तो बस यही, तो यानी ये दो शो करेंगे, इसको भी हटा दो, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है आगे बढ़े। CL5F5 भी करेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी आपका क्या करेगा, ये वाला भी आपका शो करेगा, तो यानी कि टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 3। तो इंटीजर टाइप आंसर क्या होगा? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा इन्होंने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चंस कैसे बना रहे हैं कि देखो साहब हमने इतने आपको स्ट्रक्चर दे दिए हैं और इस मॉलिक्यूल्स में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आप वो बता दीजिए। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? सेंट्रल एटम की बात करेंगे, बाकी कहीं और की कहानी यहाँ पे एड नहीं करने वाले। इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, किसकी बात कर रहा है? सेंट्रल एटम ज़ेनॉन है, यहाँ पर भी ज़ेनॉन है और यहाँ पर भी ज़ेनॉन है। डन? यस सर, डन। आ जाओ, सब लोग रेडी हो गाइस, कंटिन्यू करें। यस सर, लोन पेयर होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये ज़ेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इस ज़ेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस ज़ेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा क्या कहने वाला हूँ, बताइए 6 फ्लोरीन है तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। डन? डन। सिक्स फ्लोरीन जो है वो क्या करेगा, 6 बॉन्ड बना लेगा ना, सिग्मा बॉन्ड, समझ गए आप लोग? तो वो शेयर चले गए, तो 6 में से 6 निकाल दो। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है कि नहीं? 2 होती है, होती है सर, होती है। और फ्लोरीन की एक एक वैलेंसी, तो देखो भाई ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन कितना निकालेगा, 4 फ्लोरीन है तो 4, तो ये टोटल 6, तो कितना निकल के आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? यस सर। अब बताइए यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, लेकिन टोटल 3 ऑक्सीजन है तो टोटल 6 हो जाएगा, कितना निकल के आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। बताइए एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर, तीन पेयर बोला हुआ है, नंबर ऑफ सम ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 3 आंसर। 3 टफ है कुछ? नो सर, नो सर, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइम बचाना है कि अगर मान लीजिए इजी क्वेश्चन आपको लग रहा है, आपने अच्छे से पढ़ा है, बाकी के लिए हो सकता है ये टफ हो, तो आप क्या करोगे, बहुत स्पीड अप में करोगे, लेकिन गलती नहीं, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा फोर्थ में इन्होंने बोला हुआ है, 22 में ही पूछा हुआ है, अमंग द SF4 HCF4 CF4 एंड H2O नंबर ऑफ स्पीशीज विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल है? यस सर। आ जाइए, चलो दोस्तों रेडी गाइस? यस सर, यस सर, रेडी। चलिए आ जाइए, अब बताइए सल्फर के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 -4। अब 4 फ्लोरीन से शेयर कर लेगा तो हो गया -4, घटा दो टोटल कितना बचा? 2।
अब एक बात बताओ, इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ स्पीसीज विथ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बताइए किसके पास दो लोन पेयर होगा वही आएगा ना इस कैटेगरी में। यस सर, वही आएगा। जी ये तो नहीं, HCF4 HCF4 होगा। अब देखिए ये थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि अब इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 क्लोरीन के साथ शेयर कर देगा, बचेगा कितना 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर। बताइए क्या इसके पास 2 एलपी हो गया कि नहीं हो गया, लोन पेयर हो गया, हो गया। ठीक है सर, डन। अब बताइए कार्बन के पास 4 होता है और 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर किया हुआ है, यस सर, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। अब बताइए ये रहा ऑक्सीजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है आउटर मोस्ट शेल में, यस सर, और 2 हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा तो बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। बताइए इंटीजर टाइप आंसर में आप क्या पुट करोगे सर, 2 2 बाकी लोग 2 2 हेलो दोस्तों, यार चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है, हेलो रीति, संजी सर आ रहा है, यस सर, सचिन, साक्षी, विनायक, नीरज, यस सर, ग्रेट। अगर देखो यार प्लीज थोड़ी स्पीड अप कर रहा हूँ, एमओटी कवर करना है, अगर आपको लगता है कि कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लेना प्लीज, ठीक है। यस सर, तानिया, तानिया आपको समझ में आ रहा है, हेलो तानिया, पक्का समझ में आ रहा है ना, यस सर, हेलो, गुड, ग्रेट। सर थोड़ा सा करें, फिर थोड़ा सा कट बोल, बच्चे ने समझ नहीं लगती। हेलो हेलो, हाँ हाँ, यस यस बोलिए। मैं कुड़िया ना कहो भी थोड़ा जा कट बोले ना, बच्चे ने समझ नहीं लगती, बिच्चे बोल दे तुसी, बिच्चे बोल दिया कुड़िया। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ठीक है मैम, श्योर मैम, ओके ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कम क्राउड करिए, लेकिन हाँ बोलते रहिए, ठीक है, थोड़ा सा कम। चले आगे कंटिन्यू करें, हाँ जी सर करो, ग्रेट, थोड़ा सा कम क्राउड करिए, लेकिन हाँ बोलते रहिए। सो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है, चलिए आ जाइए। इन्होंने बोला हुआ है कि देखो सर ये जो यहाँ पे बोला है कि भाई PF5 जो है पेंटा फॉस्फोरस पेंटा फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, और इन्होंने बोला हुआ कि इसका जो भी हाइब्रिडाइजेशन हो, तो उन्होंने बोला कि देखो सर SPX एंड DY ये आपका हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, और इन्होंने बोला हुआ है कि सर जो Y की वैल्यू है ना इस मॉलिक्यूल्स में आप वो बता दीजिए, तो यहाँ पर वही इंटीजर टाइप आंसर होगा। अब क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या पूछना चाहता है, हाँ जी आ गया, तो ठीक है। देखिए अब आपको करना क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। मैं आपसे कहता हूँ कि सर PF5 फॉस्फोरस के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ जी सर होते हैं, और ये फ्लोरीन से 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, क्या लोन पेयर, 0 लोन पेयर होगा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, यस सर एग्री, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, 0 लोन पेयर है, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 5 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, बताइए डी के ऊपर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर, आ रहा है। तो अब बताइए यहाँ पर जो y की आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 होगी और जो y की वैल्यू होगी वो 1 होगी, y=1, तो आपका इंटीजर टाइप आंसर में 1, ग्रेट सर, हाँ जी, चल बहुत बढ़िया। हेलो प्रिया आपको समझ में आ रहा है ना, यस सर, ग्रेट ग्रेट बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चंस और बचा हो। अब इन्होंने क्या बोला है, देखो सर द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप्स अमंग द फॉलोइंग, क्या आपका जो शेप होना चाहिए ना सर वो पिरामिडल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि प्लेनर हो चाहे कोई भी शेप हो लेकिन पिरामिडल शेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों पे होमवर्क छोड़ देता हूँ और आगे भी कई क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, 1 मिनट, हाँ, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज आप लोग फटाफट, चलिए ले लिए सर, ये सर डन, हाँ जी हो गया, बाकी लोग चलिए 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 सर, हो गया, हो गया,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप लोग होमवर्क करिएगा। यस सर, हो गया। बाकी लोग प्लीज फटाफट करिए। चलिए यस सर, ग्रेट ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। बस दो ही क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, अगर मैं इसे कराता तो एमओटी में थोड़ा सा अपना थोड़ा डिले हो जाता। चलिए अब अगली क्लास की तरह एक और टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। आप लोग पढ़े होंगे, मैं इस पर्पस से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों का एमसीक्यूज हो जाए, ठीक है? यस सर। तो पहले स्टॉप शेयरिंग, और इसका मुझे आप लोगों को पीडीएफ शेयर करना पड़ेगा। तो जस्ट वन सेकेंड आप लोग दे दीजिए, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग आज डेट थर्ड है ना, इसको पब्लिश करते हैं। ग्रेट, इसको मिटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, चलिए आ जाइए आप लोग। क्या स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। एक काम करो आप लोग, जो हमने अभी पढ़ा हुआ है आप लोग एक मिनट में पानी वानी पी के फ्रेश होके कंटिन्यू करते, ठीक है? फटाफट पानी वानी पी लो, लंबी सांस ले लो, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कंप्लीट करते। ओके सर। सॉरी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए ऑन कर दिया, मुझे आइडिया नहीं था, मैं भूल गया था। अब देखिए आ जाइए, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये रहा नेगेटिव और ये रहा सर पॉजिटिव, ये दोनों के पास में आएंगे, ऐड करने आएंगे, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा दोस्तों? रिपल्शन होगा, ठीक है? और रिपल्शन होने से ये दूर चले जाएंगे, तो इनका ओवरलैपिंग उतनी परफेक्ट होगी नहीं। तो अब बताइए, रिपल्शन हो रहा है तो ये ऑर्बिटल उधर थोड़ा सा उठ जाएगा, और एक और जो इधर वाला जो ऑर्बिटल था, सो यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा। इनके बीच में एक प्लेन क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे देखोगे क्या बन रहा है, देखिए अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग बनता है तो सिग्मा बनता है। क्या बनता है? सिग्मा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है? एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन इसका दूसरा टर्म अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखोगे एक पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पर भी एक और पी ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन, ठीक है? अब अट्रैक्शन होने का मतलब कि सर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर आप देखोगे कि ये कुछ ऐसा ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है? बताइए, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। अब कहीं यहां पर ऐसा नहीं दिख रहा कि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, तो बताइए यहां पर इसके बीच में एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, तो उसको बोल देंगे हम लोग नोडल प्लेन। क्या बोल देंगे? नोडल प्लेन, एन इक्वल्स टू वन हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपको बताऊं तो नोडल प्लेन यहाँ पे चेक करोगे तो एन इक्वल्स टू वन, क्योंकि एक इमेजिनरी प्लेन यहाँ पर है। समझ गया? यस सर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगा। बढ़िया है सर, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको क्या बोलोगे? सिग्मा बी एम ओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको सिग्मा स्टार लगा दिया, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई होप समझ में आया, तो आगे बढ़े। यस सर, यस सर। एक मिनट
हेड टू हेड ओवरलैपिंग एक ही एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही थी। यहाँ पे देखिए, अगर मैं मानू कि सर ये एक ही एक्सिस है तो इस पे ओवरलैपिंग हो रही थी जो हमने देखी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सर एक मिनट रुको, नोट कर लियो। ठीक है, हो गया। सर एक मिनट। तो यहाँ पर एनर्जी, एनर्जी आप देखोगे सिग्मा स्टार का ज्यादा होगा सिग्मा बॉन्डिंग से, क्योंकि वहां पर रिपल्शन हो रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ जा रही। आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे पास पेज ही नहीं है। वन मिनट, मैं थोड़ा सा पेज एड कर लेता हूँ। ये क्या था? हाँ, तो दिखाई दे रहा है स्क्रीन आप लोगों को? Yes, sir. बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब कहानी ये हो रही है कि हमने थोड़े बहुत अपने टॉपिक्स कवर करते हुए जा रहे हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पर ना कि इंटर न्यूक्लियर एक ही एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही थी, अब लैटरल ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ओवरलैपिंग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो क्या मिलेगा कि देखो सर ये रहा आपका एक पी ऑर्बिटल और इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और एक और पी ऑर्बिटल है दोस्तों, और यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, ये दोनों आपस में जब एडिशन होगा ये पास आएंगे। अब बताइए इन दोनों, ये वाले लोग इसके कॉन्टेक्ट में आएगा और ये वाला लोग इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, बताइए। अगर अपोजिट साइन वाला होगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? होगी। तो चलिए ये रहा आपका रिपल्शन, और आप क्या करोगे कि देखो सर एक ऑर्बिटल इधर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, एक ऑर्बिटल इधर बेंड हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर देता हूं, साथ में एक ऑर्बिटल रिपल्शन की वजह से इधर बेंड हो जाएगा और एक ऑर्बिटल इधर बेंड हो जाएगा। अब देखोगे ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करूं तो देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी इस पूरे प्लेन में, इधर से भी ड्रॉ करूंगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी ड्यू टू रिपल्शन। तो अब यहाँ पे देखोगे नोडल प्लेन टू होगी, नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दो ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जहां पे लोन पेयर, जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो जीरो हो। अब बताइए यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है तो ये जो पाई, अब बताइए जो कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये देखिए एक एक ही एक्सिस ड्रॉ करोगे तो क्या ये परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसे हो रही है। तो अब ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। लेकिन यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, पाई स्टार, यानी कि पाई स्टार ए बी एम ओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी। बाकी लोग? यस सर। पक्का वाला? यस सर। और एक और काम प्लीज, किसी को अगर ना समझ में आए तो आप बोल दीजिएगा, मैं दोबारा कर दूंगा। हाँ, पर अंदर ऐसा मत रखिएगा कि बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो फिर शर्म करोगे तो फिर वही होगा। वो कौन सा डायलॉग यार, कोई डायलॉग मैंने सुना था कहीं। सर मैंने आपको मैसेज किया एक बार, देखो तो शर्म उसके फूटे करम। हाँ, आपने मैसेज करा? यस सर प्लीज। एक सेकेंड, क्या सर, चैट ऑन कर दो प्लीज, 5 मिनट के लिए। चैट ऑन है? हाँ बोली। नहीं सर मेरे को दीपिका से नोट्स लेने, प्लीज एवरीवन कर दो या डायरेक्ट कर दो प्लीज। अच्छा ऐसा कुछ होता है क्या? सॉरी एक सेकंड, एवरीवन हो गया है, अब आप लोग देखिए। नहीं हुआ सर, मतलब आपको दीपिका से बात करनी है तो आप अभी बात कर लीजिए ना। तो सर नोट्स नंबर कैसे, नोट्स कैसे दूंगी मैं, यहाँ से कुछ कर सकता हूँ क्या? अच्छा सॉरी दोस्त, एक काम करते हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं या फिर सर आप क्लास के बाद डिस्कस कर लो ना, आप क्लास के बाद डिस्कस कर लो, मुझे मैसेज कर लेना प्लीज, ठीक है? यस सर। हाँ आप क्लास के बाद,
हाँ कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, और मैं दीपिका या ग्रुप में होंगी तो दीपिका से आप डायरेक्टली बात कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, मैं चाहता हूँ कि आप कल लोग अगर एमओटी आप कल पढ़े तो आपको समझ में आए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो आप कर ले ताकि कॉन्फिडेंस थोड़ा मिल लो। चलिए आ जाइए, सॉरी मैं आपको टाल रहा हूँ लेकिन ठीक है। अब ये देखो आप लोग यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये दोनों पास आएंगे तो इनके बीच में देखिए सेम फेज है प्लस प्लस, तो क्या होगा इनके बीच में अट्रैक्शन, क्या होगा दोस्तों अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे आप देखोगे एक ऐसे इमेजिनरी प्लेन मान लो, ये प्लस प्लस वाला ओवरलैप करके कुछ ऐसा बना देंगे कि ये प्लस और नीचे नेगेटिव वाला भी अपना मौज करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, बताइए एक इमेजिनरी प्लेन यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही इनके बीच में सैंडविच की तरह। यस सर। तो अब बताइए अगर मैं आपसे कहूँ कि सर यहाँ पे बॉन्डिंग हो रहा है तो पाई पाई रखना है, सिर्फ यहाँ पे कोई स्टार स्टार नहीं लगाना, पाई बी एम ओ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, क्लियर हो गया? यस सर। अगर मैं यहाँ पे नोडल प्लेन की बात करूं, नोडल प्लेन, तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन बन रही है जहां पे आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो पॉसिबल है तो नोडल प्लेन आपका वन, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी ऑर्डर होगा वो किसका ज्यादा होगा, तो पाई स्टार की जो एनर्जी, हमेशा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है सर, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब आप लोग देखोगे कि अब जैसे ना कुछ सीधा कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ आप लोगों को, और उसी को फॉलो करेंगे हम लोग, वैसे रिलीजन की तरह यह तो कहना चाहिए। चलिए आ चलिए हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करें, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल्स। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, अगर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन कैसे रहा है तो उसका स्ट्रक्चर देखिए, देखो सर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, क्या ये दोनों मिलेंगे तो क्या एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर, ठीक है। अब बता जाइए ये 1s1 और ये 1s1 है, तो यानी कि s ऑर्बिटल इसका और एक s ऑर्बिटल मिक्स होगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा कितने ऑर्बिटल बनेंगे, दो ऑर्बिटल बनेंगे। एक कौन सा ऑर्बिटल, तो देखो दोस्तों आपने अभी पहले पढ़ा कि देखो सर अगर ये दोनों मिलेंगे सेम एनर्जी के तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, और एक कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, और एनर्जी में देखिए तो अब एक ऑर्बिटल इधर हो जाएगा और एक ऑर्बिटल, देखिए ये तो एनर्जी एक की कम हो गई और एक की एनर्जी क्या हो गई दोस्तों, बढ़ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपका एनर्जी ग्राफ हो गया, और इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो देखिएगा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वन, और इसके पास भी इस हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से सुनिए, जो कम एनर्जी वाला है वो क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। Yes, तो ये कौन सा हो जाएगा, सिग्मा बी एम ओ, बी एम ओ, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है सिग्मा, उसमें सिग्मा क्या स्टार ए बी एम ए बी, ठीक है। चलिए कोई बात, तो अब देखिएगा टोटल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या मिल रहा है आपको कि दो इलेक्ट्रॉन टोटल हुए, हाफ स्क्रीन आ रही है, अरे यार ये कौन सा, अभी दिखाई दे रहा है आपको, से ठीक आ रही है हमारे पास, ठीक आ रही है सर, आपका ठीक हुआ दोस्त, हेलो हेलो यार अब तो कुछ बोल दो यार, हेलो हेलो सर, नहीं सर अभी भी हाफ ही है सर, साइड में कुछ लिखो, पता चल जाएगा, लिखो जरा सर साइड में, हाफ में ही लिख रहा हूँ अभी भी सर, नहीं सर नहीं दिख रहा सर, दिख रहा है हमें, हाफ है आपकी स्क्रीन सर, ठीक है दोबारा शेयर कर देता हूँ। अच्छा अभी पूरी दिखाई दे रही है आप लोगों को सर, एक बार लिखो जरा यहाँ, ठीक है
दिखाई दे रहा है? हाँ, लिख हाँ जी दिख रहा है अब, पहले भी दिख रही थी, आप लिख नहीं रहे थे बस। मैं हाँ पोर्शन में लिख रहा हूँ, कैसे दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या बात है, क्या बात है, चलो कोई नहीं आ जाइए। अब देखिए दो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन अगर अलग अलग एटम के फॉर्म में है तो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, और हमने क्या कर दिया दोस्तों कि दो हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो दो एटम एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, तो नया मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। एक कौन सा हो जाएगा देखिए, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल BMO, और एक क्या बन जाएगा उसका एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग वाले का हमेशा एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है सर। तो ये रहा आपका ABMO, तो अब बताइए ये अगर मैं यहाँ पे इसको मिटाने की कोशिश करूं, ये रहा आपका एनर्जी, कुछ ऐसे ऑर्बिटल दिखा देता हूँ, और इसको भी मिटा करके मैं आप लोगों को ऐसे दिखा देता हूँ कि सर ऊपर वाला जो है स्टार है, यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, और नीचे वाला बॉन्डिंग है, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन आप फील कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि अगर मैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यस सर। तो जो इलेक्ट्रॉन की हम फीलिंग करेंगे ना दोस्त, सबसे पहले नीचे पूरा भर लेंगे फिर ऊपर भरेंगे। बताइए टोटल टू इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन, अब कहीं इलेक्ट्रॉन है क्या हमारे पास? नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं, तो भरेंगे क्यों? डन। चल अब आ जाइए, अब सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए बॉन्ड ऑर्डर का, लिखिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा NB, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस NA एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, आपको NB इक्वल्स टू, इसको बी लिख दीजिए इस मान में, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर सॉरी यार इसको एन ए कर लीजिए सर, हाँ NB को क्या लिख लीजिए यहाँ पर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. चलो दोस्तों आ जाओ, अब बताइए BO की बात करते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर की, तो 1/2 बताइए, ये नीचे वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? टू, और एंटी बॉन्डिंग में आप चेक करोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? जीरो, नील बटा सन्नाटा, तो अब क्या हो गया 2, और यहाँ पे आप देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो निकल के आएगा 2/2 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हो रहा है वो समझिएगा आप लोग कि देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? एक। समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. अगर एक है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 है, तो इसका BO कितना निकल के आएगा? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। अगर मैं ये बोलूँ कि ठीक है सर हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा दोस्तों 2। क्लियर हो गया? अगर यही लिखूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, अब ये पूरा बॉन्ड नहीं है, पार्शियल बॉन्ड है। समझ गए आप लोग? यस सर। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया कि दो एटम के कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलेंगे कि सर ये आपका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए तो ऐसे ही अब पी ऑर्बिटल में आप लोगों को एनर्जी का रिपल्शन दिखा देता हूँ। कितना हो गया, 17 मिनट और 8 मिनट है हमारे पास। चलिए आगे, तो पी ऑर्बिटल में जब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा पी ऑर्बिटल की जब हम रिपल्शन, अगर अब आपसे पूछूं एनर्जी और टाइम ही नहीं है, एक दिन और लग जाएगा। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, हेलो। यस सर। एवरीवन सुन लो यहाँ, सुनो सुनो फटाफट, कितने लोग हो आप लोग यहाँ पे? 40 स्टूडेंट्स। यस 39। ठीक है, मुझे लेके 40, कितने स्मार्ट हो यार। 38 सर। यस सर। हाँ तो अच्छा सर भी है क्या यहाँ पे? तो 38 ही है। अच्छा
तो सुनो आप लोग, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि कल आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है? क्यों ना मैं जल्दी जल्दी करूंगा, 10 मिनट सर का भी टाइम लूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो कल 1 घंटे की एमओटी की क्लास ले लेंगे और उसके बाद से आप लोग टेस्ट लोगे, क्योंकि ये एमओटी उसमें आने वाला है, तो अच्छे से डिस्कस कर लूंगा, फिर आप लोग टेस्ट ले लोगे। तो कल आप लोग क्या 9 बजे 10 बजे से 11 बजे के बीच में सबके सब प्रेजेंट हो तो बताओ, तो कंटिन्यू सब बोल रहे हो ना, कोई ऐसा तो नहीं है पार्टी बदल तो नहीं लोगे ना 10 बजे करो? सबसे पहले मैं अपने पुराने साथियों से पूछता हूँ, हेलो तानिया आप आओगे कल? यस सर। पक्का वाला? यस सर। हेलो नसरीन? यस सर। ऋतिक? ऋतिक अनीश? यस सर। प्रिया? प्रिया यस सर। पक्का वाला आओगे ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी देखो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल आओगे, 10 से 11 हम क्लास रखेंगे, पूरा एमओटी अच्छे से कवर करेंगे और फिर वीवीटी भी कवर कर दूंगा उसी में, और उसके बाद से आप लोग टेस्ट दोगे, ठीक है? क्योंकि ये एमओटी वीवीटी और ये हाइब्रिडाइजेशन, ये तीन टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, तो उस केस में आप क्या करोगे कि उसके बाद आप लोग टेस्ट दोगे तो समझ में आएगा, अच्छे से आपका हो भी जाए। तो मैं आप सर का टाइम नहीं लेता हूं, पर उम्मीद करता हूं कि आप 38 के 38 या 37 स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे कल, 10 से 11 बजे अपनी क्लास रहेगी। पक्का वाला? ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सर। हाँ जी सर। ठीक है सर, फिर मैं आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेता हूँ, क्योंकि रेस करने का कोई सेंस नहीं निकल रहा मेरे साथ अभी। हाँ।